सारे रिश्ते कमज़ोर होते जा रहे हैं, सब रिश्ते बिखरते जा रहे हैं, न समेटे जाते, न रिश्तों को संभाल पा रहे, न रिश्ते निभा पा रहे। समाज की हालत ख़राब हो गई। किसी भी पेपर को उठाओ, न्यूज़ चैनल को खोलो, यूट्यूब को खोलो, फ़ोन को खोलो, खबरें देखो, बाहर जाके किसी से सुनो क्या चल रहा है, आपको तो पता ही है। भाई ने भाई को मार दिया, माँ ने बेटे को मार दिया, बाप ने माँ पुत्र को मार दिया, लड़का भाभी को लेकर के भाग गया, भाभी और किसी के साथ भाग गई, भाई कहीं घूम रहा है, भाई ने भाई की हत्या कर दी, रिश्तेदार ने उसके पैसे लूट लिए, उसका धन लूट लिया, उसकी जमीन उतरवा दी, वो आत्महत्या की ओर भाग गया, वहाँ उन्होंने आत्महत्या कर ली, सारा परिवार ने आत्महत्या कर ली, वो उसको देख करके गोली मार दी। ये चल रहा है समाज के अंदर। रिश्तों का महत्व, रिश्तों का अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया। इतनी बुरी हालत हो गई है सभी धर्मों के अंदर, सभी मजहबों में। कोई भी रिश्ता सुरक्षित नहीं रहा, चाहे भाई बहन का हो, माता पिता का हो, पिता पुत्र का हो, या और जितने भी रिश्ते नातेदार थे, कोई भी हो, सबके सब रिश्ते नाते खत्म हो चुके हैं। कारण स्वार्थ, कारण प्रेम समाप्त हो गया, कारण कि समय नहीं दे पा रहे, कारण मर्यादाएं भूल गए, कारण हम जो हमारे समाज की जो बुना गया था ना ताना बाना, उसको हमने छोड़ दिया, कारण हम सब रीति रिवाज को भूल चुके, कारण हम रिश्तों को बेवकूफ और टाइम खराब करने वाला चीजें मानने लगे। ये इनको खराब होने के और मुख्य रूप से और बर्बाद करने के जो कारण है, यही कारण है। न एक दूसरे की कदर कर पाते, ना समय दे पाते, ना प्यार से समझा पाते, ना समझ पाते। हम अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं। इसी लड़ाई में, स्वाभिमान की लड़ाई में अभिमान की लड़ाई बना दी, और जब ये लड़ाई अभिमान की बनेगी तो गर्दनें उतारी जाएंगी। ये आप ये मत समझो कि ये कलयुग का प्रभाव है इसलिए हो रहा है, ये भी हो रहा है। द्वापर में क्या कलयुग का प्रभाव था? वहां भी तो भाई भाई थे, वहां भी तो रिश्ते नातेदार थे। क्या वहां प्रभाव था इस चीज का? क्या त्रेता में कलयुग का प्रभाव था? राम की मां ने उसके लिए वनवास मांग लिया, क्या वो कलयुग का प्रभाव था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आज है ये, उस समय नहीं था। हर समय ये चीजें होती आई हैं, लेकिन उस समय ये कम थी, आज ये चीजें ज्यादा बढ़ चुकी हैं। आज इनकी लाइन और हद दोनों क्रॉस हो चुकी हैं। अगर समय रहते हम नहीं संभले, इनको कंट्रोल में नहीं किया, आप लोगों ने संभल करके अपने परिवार और रिश्तों को नहीं संभाला, तो सब कुछ अस्त व्यस्त तहस नहस हो जाएगा। केवल आपका परिवार नहीं, समाज भी साथ में, लोग भी साथ में, और आपके जानने और चाहने वाले भी साथ में, सब कुछ मिट जाएगा। तो इनको जो संभालना है कि इसके बिना, प्यार के बिना ये संभव नहीं हो सकता, ये समझ के बिना ये संभव नहीं हो सकता, एक दूसरे को सम्मान दिए बिना ये नहीं हो सकता, मर्यादा में रहे बगैर ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता इन चीजों के बिना। क्योंकि हम अगर नियम के अनुसार नहीं चलेंगे, हमारी दृष्टि पवित्र नहीं होगी, हमारे विचार पवित्र नहीं होंगे, हम पवित्र नहीं होंगे, अंदर में हृदय पवित्र नहीं होगा, मन में छल कपट होगा, और हम बात करेंगे भाईचारे की, भाईचारा कैसे होगा, उठते ही फिर वही बातें होंगी, फिर वही लड़ाई होगी। आजकल क्या चल रहा है, कोई किसी के घर में जाता है, वहां जा करके और
देखो क्या हालत हो गई है। देखते हैं जिस घर में गए वहीं अब बहन बेटी की तरफ देखने लगते हैं, परिवार के स्त्रियों की तरफ देखने लगते हैं। क्या चल रहा है ये कि कोई दो लड़कियां उसका भाई रहता है उसके साथ बात होने लगती है। ये हमारे समाज का ताना बाना चल रहा है, ये कंट्रोल से धीरे धीरे बाहर होता जाने लग रहा है। ये जो पश्चिम सभ्यता थी वो उठ करके और यहाँ आ गई, और यहाँ आने के बाद इसका प्रयोग शुरू हो गया, और प्रयोग होने के बाद ये घरों में अंदर तक घुस गई, और घुसने के बाद तो आप देख ही रहे हो ये क्या चल रहा है। अगर आप इसको समय रहते नहीं संभालोगे, इन रिश्तों को, इस परिवार को, इस समाज को, इन लोगों को, चारों तरफ से सब कुछ, धर्म भी, सत्य भी, परमात्मा भी, मर्यादाएं भी, नियम भी, कानून भी, सब समाप्त हो जाए। हालात आज बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन अगर इनको कंट्रोल नहीं किया गया, इनके ऊपर काम नहीं किया गया, इनके ऊपर प्रयास नहीं किया गया, तो कोई भी रिश्ता, कोई भी समाज नियम के बिना, मर्यादा के बिना चल नहीं सकता।